मेरी कलम इतना सा एहसान कर दे, कह न पाई जो जुबान वो बयान कर दे। कलम की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए नोएडा स्थित मार्बा स्टूडियो में नौवा कलम के सिपाही अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया जगत, राजनीति, रेडियो व टीवी जगत से जुड़े कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें तीरथ सिंह रावत, सांसद लोकसभा एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सदगुरु रितेश्वर महाराज, आध्यात्मिक गुरु आशीष सर्राफ, बहामास माननीय महासचिव अजय तिवारी, IES सलाहकार भारत सरकार गुरुराज नागथन, प्रेसिडेंट NAI दीपक नरवाल, विपिन गौर महासचिव NAI सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को हमारी सांस्कृतिक विरासत का ध्वजवाहक श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का धन्यवाद किया और अपने संबोधन में कहा कि एक पत्रकार को निष्पक्ष तरीके से अपने विचार को बोलना और लिखना चाहिए। पत्रकार ही ऐसा होता है जो अपनी आवाज से सब कुछ बदल सकता है। उसकी आवाज में बहुत ताकत होती है, सबकी आवाज को उठाता है। इसी कड़ी में कार्यक्रम में YouTube चैनल AAFT 24x7 में एवं न्यूज़पेपर AAFT द बैकन को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कैटेगरी के 30 से ज्यादा लोगों को नौवा कलम के सिपाही अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा महाराज जी और तीरथ सिंह रावत द्वारा लोगों को अवार्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दरिया रूसी कलाकार ने अपने गाने से सभी का मन मोह लिया। कई मिमिक्री कलाकारों ने अपनी मिमिक्री से लोगों को खूब हंसाया। कार्यक्रम में 9 लोगों को डॉक्टर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। संदीप मारवा महाराज जी और तीरथ सिंह रावत द्वारा मेडल देकर और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दरिया को लाइफ मेंबरशिप अंतर्राष्ट्रीय विमेन फिल्म फोरम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण को संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम में संदीप मारवा उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद अंत में ज्ञापित किया गया। क्या कुछ कहेंगे इस इवेंट के बारे में? इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और कलम का सिपाही, ऐसे अवार्ड कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है, जिसमें बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के अंदर काम करने वाले, ऐसे भिन्न भिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ कि वे अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ें, अग्रसर हों। साथ ही पत्रकारिता का क्षेत्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, समाज का चक्षु, दर्पण, हर कोई घटना देश के अंदर, दुनिया के अंदर क्या हो रही है उस पर निगाह लगाए रहता है, वो देखता है। आज के उसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल है, महत्व है। वही सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारी चीज़ें, तो निश्चित स्वाभाविक है कि ऐसे समय उस अवसर पर ऐसे लोगों को सम्मान किया गया तो निश्चित है वो प्रतिभाएं अच्छी आगे और अपना काम करेंगे। और मेरा पुनः ऐसे अवसर पर शुभकामनाएं। पाए हैं अवार्ड सम्मानित करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? वृंदावन से चल के आप यहाँ तक आए हैं, कैसा लगा? NIA ने आमंत्रित किया था और ये न्यूज़ के लिए, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके लिए यहाँ अवार्ड दिया जाता है। मैं वृंदावन से आया क्योंकि सबसे एंशियंट हमारे नारद जी ही
न्यूज़मैन थे जो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में न्यूज़ दिया करते थे। तो लोग कहते हैं कि साधु संतों का न्यूज़ से क्या मतलब, न्यूज़ शुरुआत ही वहाँ से हुई है, न्यूज़ का प्रारंभ ही वहाँ से हुआ है। वो हर जगह जाते थे, प्रत्येक जगह जाकर न्यूज़ को पहुँचाते थे। तो आज इस अवार्ड में आकर के मुझे अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था, मुझे भी अवार्ड दिया गया। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और प्रेस करता हूँ और सबके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि भारत का ये चौथा स्तंभ बहुत ही मजबूत होकर उभरे और भारत में शांति, प्रेम और आनंद आए। संदीप सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? संदीप मारवा बहुत जिंदा दिल इंसान, बहुत जिंदा दिल। मैं उनसे 10 मिनट पहले ही मिला हूँ। बहुत हंसने हंसाने वाले और एक अच्छा विजन रखने वाले मनुष्य हैं और मैं बहुत प्रसन्न हुआ उनसे मिलकर। वास्तव में कोई डिप्रेसिव आदमी भी उनसे 5 मिनट मिल ले तो मुस्कुराता हुआ चला जाएगा। हमारे श्री कृष्ण भगवान के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि रोता हुआ आदमी आता और मुस्कुराता हुआ जाता, पर हम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई कि कोई हंसता हुआ आदमी आए तो आत्महत्या का विचार लेके चला जाता है। इस मीन्स में ये बहुत अच्छे इंसान हैं और पॉजिटिविटी बहुत उनके अंदर। कलम के सिपाहियों को अवार्ड दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पिछले कई वर्षों से कलम के सिपाहियों के बीच काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर हम लोगों ने 10 साल पहले तैयार किया था। पर्पस इस सेंटर का था कि हम लोग जर्नलिस्टों की सभी रिक्वायरमेंट्स को इस सेंटर के जरिए पूरा करेंगे। जर्नलिज्म सेंटर ने आपस बहुत बड़ी अंगड़ाई ली और अब वो राष्ट्रीय बल्कि सच में ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है, जिसके अंदर तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट जुड़े हैं। हर साल हम लोग न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जहां पर तकरीबन 30 जर्नलिस्टों को जो देश भर से इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं उनको सम्मानित किया जाता है। जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया है या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया है, जिन लोगों ने जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक नया मकाम हासिल किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है। सर, आज आप 24/7 चैनल का भी इनॉग्रेशन किया है, क्या मकसद इस चैनल को लाने का मार्केट में? जी, हम लोग खुद एक जर्नलिज्म का स्कूल चला रहे हैं और इस स्कूल के अंतर्गत, जबकि हमारे पास अपना MSTV बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हमारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा चौकन्ना तेज बनाने के लिए हम लोगों ने ये चैनल उन स्टूडेंट्स के ही हवाले कर दिया है और ये चैनल अब आज से शाम से शुरू हो जाएगा। सर, वैसे तो आपको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन आज आपको भी कहते हैं ऑनर डॉक्टरेट का अवार्ड मिला, तो क्या कहना चाहेंगे आपको? मैं यूनिवर्सिटी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा नाम इस डॉक्टरेट के लिए चुना और मुझे आज डॉक्टर की डिग्री से एक बार फिर से सम्मानित किया। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट टुडेस प्रोग्राम? ओह, इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एज यू नो, संदीप इज अ यू नो पर्सनालिटी व्हिच इज वेल हु इज वेल नोन अराउंड द वर्ल्ड। वी मीट हिम इन लंदन इन ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट मेनी टाइम्स and you know, it was very well organized, everybody was, you know, it's just amazing. So thank you so much for everything, thank you for having us. आज के प्रोग्राम के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक रोल निभाते हैं वो पत्रकार हैं, साथ ही साथ कुछ जो राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, कहते हैं कि वो बहुत लंबा लिखते नहीं हैं, कुछ दो शब्दों में अपनी बातें कह जाते हैं, मगर वो बातें जो होती हैं वो सरकारें हिला देती हैं। तो ये जो कार्यक्रम था ये कलम के सिपाहियों के लिए था और कलम के सिपाहियों की जो ड्यूटी है, जो रोल है, वो अब से नहीं, हमारे देश की आज़ादी के पहले से वो बहुत बड़ा रोल है। उन्हीं की वजह से हमारे देश में आज़ादी आई, हम आज इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हम कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो हम विश्व भर को बता सकते हैं। तो मीडिया ने सबको बोलने की आज़ादी भी दी है और मीडिया ने सबके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की आज़ादी भी दी। आज़ादी क्या दी है कि उनको करने के लिए मीडिया हमेशा तत्पर रहता है और जितने मीडियाकर्मी हैं वो सबके लिए काम करते हैं, पर उनके लिए काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनके लिए काम करें, उन मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, जो धूप में बारिश में लोगों के लिए काम करते रहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। तो ये एक छोटा सा प्रयास होता है कलम के सिपाही, एक सम्मान हम लोग उनको देते हैं जिनसे कि हम उनको बता सकें कि हाँ, वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। और कई बार लोगों ने बोला है कि जो मीडिया का चेहरा है या मीडिया है उसमें कई सारी त्रुटियाँ आ गई हैं, ब्लैकमेलिंग, येलो जर्नलिज्म, पिंक जर्नलिज्म, कई तरह की बातें आती हैं, पर हकीकत ये है जो आने वाली पीढ़ी है उन लोगों के लिए जर्नलिज्म बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है, सोशल मीडिया वो सच्चाई दिखाने में जो जेन्युइन मीडिया है
उसको मजबूर कर देता है कि आपको सच्चाई दिखानी पड़ेगी। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, अब तो और भी सारी साइट्स आ गई हैं। सर आज आप आए हैं नवे कलम के सिपाही अवार्ड्स में, आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रेडियो के जगत में आप बहुत बड़ा नाम है, काम करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। और रेडियो देखिए हम सबकी लाइफ है, लाइफ लाइन है, और रेडियो की सबसे खास बात यह है कि रेडियो में आप जो भी चीज़ बोलते हैं उसका आपको तुरंत जवाब मिल जाता है। सो रेडियो एक अहम हिस्सा है हम सबका, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हों, चाहे घर पे काम कर रहे हों। तो बड़ा अच्छा लगा कि रेडियो को भी ये दर्जा दिया गया। जनरली मैंने देखा यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट थे, टीवी जगत के लोग थे, बट रेडियो से भी बुलाया गया तो काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही आज आपको अवार्ड दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में, कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा प्रयास न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, एनआई इंडिया का, और विपिन गौड़ साहब को बहुत बहुत बधाई कि वो हर बार उन गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस समारोह को करवाते हैं जहाँ पर बहुत ज़रूरत है। एक एप्रिसिएशन है मीडिया वर्कर्स के लिए, क्योंकि कलम के सिपाही हर व्यक्ति अपनी शुरुआत लेखन से ही करता है, चाहे न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, हर तरह का काम बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कि रेडियो को इसमें शामिल किया गया है। रेड एफ एम की पूरी टीम आपको थैंक यू कहती है, और हम अपनी ड्यूटीज़ रेडियो पर, रेडियो के ज़रिए याद रखते हैं। पूरी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में जितने भी लोग हमको सुनते हैं, हम हो गए, बाकी रेडियो स्टेशंस हो गए, सब लोग काम करते हैं, लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को दें। और यही प्रयास है गौड़ साहब का भी कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनका काम पहचाना जाए, उनको सम्मानित किया जाए, और इसी तरीके से हर साल की तरह इस साल भी कलम के सिपाही का मुझे हिस्सा बनाया।